हेलो भाइयों, सभी को राम राम। मैं आपका अपने गुरमीत नैन व्लॉग चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी कुछ दिनों से एक मैटर चला हुआ है हरियाणा में। अभी कुछ दिन पहले कर्म पत्रकार और डॉक्टर देवेंद्र भलहारा हैं जो चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए गए थे, वो ये कह रहे थे कि हम मास्क नहीं लगाएंगे और ना ही वैक्सीन लगाएंगे, कि ये जो कोरोना वैक्सीन है इसमें जो हमारे डॉक्टर साहब देवेंद्र बलहारा जी हैं उन्होंने कुछ कमी लगी। वो कह रहे हैं कि इनसे कुछ जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और उसके बाद जो उन्होंने विरोध किया चंडीगढ़ में, उसके बाद उन्हें कस्टडी में लिया गया। हालांकि वो एक या दो दिन के बाद छूट भी गए थे। और ये अभी ये जो मैटर है पूरे देश में ही नंबर 1 ट्रेंडिंग में चला हुआ है, क्योंकि ये जब कोरोना सिचुएशन एक दोबारा जो तीसरी लहर आई हुई है और ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब और कर्मो जी कि वैक्सीन नहीं लगानी, मास्क नहीं लगाना और ना ही सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, क्योंकि ये जो चीज़ें में एक बीमारी नहीं है बल्कि ये कि ये ऐसा सिस्टम बनाया गया है धोखाधड़ी का, ये कह ले सकते एक स्कैम है जो कि सरकार के द्वारा चलाया गया है। सब ये फ्रॉड कह रहे हैं, मतलब ये जो पुलिस वाले हैं जो 500 या 1000 का चलान कर रही हैं, ये फ्रॉड के द्वारा बस अपना जेब भर रहे हैं और कुछ नहीं है ये। ना ही कोरोना है ना ही कुछ है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये ज़ुकाम है और इससे बड़ी कुछ नहीं है ये। शायद उनकी बात में सच्चाई भी हो अगर वो इतना कुछ कह भी रही हैं, क्योंकि वो एक साइंस स्टूडेंट रह चुके हैं डॉक्टर देवेंद्र जी। सो मैं आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट एंड जनता से कहना चाहूँगा कि आप इस मैटर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या पता इस बात में सच्चाई भी हो, क्योंकि वो एक साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं, उन्होंने स्टडी भी की हो रिलेटेड टू कोरोना वैक्सीन डोज के बारे में स्टडी की हुई, तभी तो इतने ही दावे के साथ वो कह रहे हैं कि इनसे जो कुछ साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं और ये एक कोरोना बीमारी नहीं एक स्कैम चला हुआ है। सो मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप इस बात को, इस मैटर को आप एक बार थोड़ा सा अपने संज्ञान में लाए और थोड़े इस टॉपिक पे थोड़ा सा डॉक्टर एंड साइंटिस्ट ध्यान दें, क्योंकि अगर कुछ कह रहे हैं तो कुछ बात में दम भी हो सकता है। और मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा कि मैं ना तो मैं डॉक्टर देवेंद्र बलहारा को और ना ही कर्मो जी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ये मैं अपनी निजी राय दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हरियाणा, जय भारत माता की जय।